सर, जो SKICC में ये किताब मेला लगा है, इसके हवाले से थोड़ा बताइए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है जो ये फेस्टिवल, इस बुक फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है। काफ़ी बच्चे आए हुए हैं और काफ़ी नॉलेज की चीज़ें यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे आर्ट, सिनेमा, फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग के बारे में भी यहाँ पे आज सेशन हुआ, जिसमें मैं एक पार्टिसिपेंट था। तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही हैं। एंड ये भी कहूँगा कि इस तरह की इवेंट्स यहाँ पे होते रहने चाहिए, और इसी तरह ये नौजवान बच्चे जो हैं ऐसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि हमें और नॉलेज मिले। पैगाम यही है कि बहुत हो गया परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बहुत ये अब साइड में रखिए, अपने आप को तरक्की की ओर ले जाइए, नॉलेज की ओर ले जाइए, और अपने आप को काबिल बनाइए इसके कि आप वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अपने फील्ड में अपना नाम कमाएं। जो कश्मीर की आफ्टर मंजरात, वो कोई 40-45 साल बाद फिल्म बनी थी और पहली फिल्म है जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई थी, कश्मीर डेली। वो फिल्म भी इसी टॉपिक को लेकर थी, ड्रग्स को लेकर थी। तो इस बारे में तो हमेशा तश्वीश है, और मैं चाहता हूं कि आज का नौजवान जो है वो तरक्की की ओर जाए, एजुकेशन की ओर जाए, इंटेलिजेंस की ओर जाए। ये सब नशे और इस तरह की ये गलत रवैया अपने पेरेंट्स के साथ, इसको लात मारिए। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है, दैट इज़ एजुकेशन एंड अपने आप को एक सही कदम पे, सही रास्ते पे चलना है। मेरा नाम कुटला खान है, हम बाड़मेर से और जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, तीन ज़िलों से आर्टिस्ट हम आए हैं, और हमारा आप SKICC इनकी तरफ से हमारा यहाँ परफॉर्मेंस रखा गया है। और आज जो ये जो फेस्टिवल हो रहा है, इसी में हम भाग लेने आए हैं। और लंगा मांगनियार और मुस्लिम जोगी जो मेवाती, ये हम आए यहाँ पे 11 लोग हैं, और हम आज यहाँ पे हमारे लोक गायकी, ट्रेडिशनल गायकी का आज परफॉर्मेंस करेंगे। बच्चों के लिए तो हमारा जो ये, हमारा तो ये गाने बजाने का पैसिव धंधा है, हमारा ये तो पारंपरिक धंधा है, हमारे बच्चे वो ही सीखते हैं। आपके भी हम हमारी संस्कृति को जीवित रखते आए और आगे भी रखेंगे, जो हमारा गाना बजाना का पैसिव धंधा है। से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमारी इस संस्कृति को जीवित रखना है, और हमारे साथ सहायता की रहे, मदद किया और मदद कर भी रहे हैं सब। मैं यहाँ पे ऑडियो ओके अगर है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ। चले ठीक है, अभी SKICC में आज 22 अगस्त को मैं यहाँ पे चिनार टॉक्स का हिस्सा रहा, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, लोगों से इंटरेक्ट करना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, जो हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। यू नेवर नो कि कल कौन इस चीज़ से मुतासिर होके अपनी डायरेक्शन बदल पाए। जो चीज़ें हमने बड़ी मुश्किल से सीखी हैं, अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उन तक पहुंचाएं और उन्हें रास्ता मिल जाए, हमें उससे बड़ी खुशी और नहीं मिल सकती। और बच्चों में हमें अच्छी किताबें पढ़ने का हुनर, ये शौक डाल देना चाहिए। और जैसे कि मैं इससे पहले भी कहा था कि अगर हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम उसकी ज़िंदगी जी लेते हैं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खराबियाँ, उसकी गलतियों से सीखकर हम बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और एक बेहतर अकलमंद, इंटेलिजेंट इंसान बनने के लिए हम किताबें पढ़ें, शुरुआत किसी भी किताब से पढ़ें, चाहे वो मज़हबी हो, रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, थिएटर की हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, आप पढ़ें, किताबें पढ़ें और पढ़ने का शौक रखें। सबके पास आज की देर में मोबाइल है, अगर कोई बंदा शय भी है घर पे, खुद पे ट्राईपॉड पर रख के किताबों में फ़िक्स करके अपनी वीडियो बनाएं, किसी को ना दिखाएं, खुद ही बनाते रहें और ख़ुद ही देखें, अपलोड भी ना करें। और हर अगर वो हर हफ्ते करते हैं, हर 15 दिन में करते हैं, एक साल भर के बाद देखेंगे उनमें खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और वही चीज़ वो दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। दुनिया क्या है कि कोई भी बच्चा जो इस लत में लगता है, हमेशा यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लगता, लेकिन अगर आप लग चुके हो, देखिए हर ऊपर वाले ने कहा है कि हर बुराई, हर मसले का हल है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर ये आदत लग चुकी है, इससे निकलना आसान नहीं है, मैं मानता हूँ इसके, लेकिन हेल्प चाहिए होती है, रिहैबिलिटेशन वगैरह होती है इसके लिए, माँ बाप का सहारा चाहिए होता है, दोस्तों का सहारा चाहिए होता है।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें आपकी विल चाहिए होती है। अगर आप चाहें, हकीकी तौर पे चाहें, मुश्किलात आएंगी बहुत सारी, और रोज़ एक एक परसेंट भी, अगर हफ्ते में 1% भी हम उस तलब को कम कर पाए और उससे हम निजात पा सकते हैं इस बीमारी से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ख़ुद को आपको बिज़ी रखना है, ख़ुद का ऐसा कोई शौक पालना है जिस शौक इतना बढ़ जाए, जो शौक इससे ऊपर बढ़ जाए, चाहे वो कि फिल्म मेकिंग हो, फिल्में देखना हो, फिल्म बनाना हो, कोई अपने दुनिया के सामने अपना हुनर जो आपका पैशन है दुनिया के सामने लाएंगे, जब आपको सराहना मिलेगी वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का असर, ड्रग्स का असर कम पड़ेगा और आपको जो शोहरत मिलेगी वो असर उस पर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप हमारी यही मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि अपने ख्वाब पूरे करें, ख्वाब देखें, ख्वाब से इंसान ज़िंदा रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहले कि पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने माँ बाप को किसी चीज़ के लिए तंग ना करें कि स्पेशली मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे इसके लिए करना है। ख़ुद वसाइल बनाओ, खुद रिसोर्सेज पैदा करो, अपने सर्कल्स में आप वैसी चीज़ें पैदा कर सकते हो, कर सकते हो वो सारी चीज़ें। और पैशन इंसान को, शौक इंसान को ज़िंदा रख सकता है, रखता है। अपने पैशन को कभी मरने ना दें। और जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात हो जाती है, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला 10 कदम आगे बढ़ाता रहेगा। और उस्ताद जो हैं, गुरु जो हैं, उनको ढूंढें, और बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। और सीखने की चाह रखें और ऑटोमेटिकली आप सीखेंगे, अगर आप ईमानदारी से, नेक नियति से करेंगे, आप कामयाब होंगे।